गाइस मैं गेट पे इसलिए बैठी हूँ, आज मेरी नानी आ रही है, मेरे मामा आ रहे हैं और देखो वो आ चुके हैं। जैन हालियो मेरी नानी आ रही, देखो देखो मेरी बहन आ रही है। आपकी साली है काले जी। वो नानी आ चुकी है। आपकी सालिया हाथ पकड़ के ले आओ। छोटी छोटी सालिया आपकी, बड़ी तो है ही ना। गाइस हम नानी की सेवा में लग रहे हैं, नानी के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाए, समोसे तो मैं और दीदी वो कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे सब चीज का। देखिए गाइस मैं बना रही हूँ पनीर, मटर पनीर। तो इसमें मैंने प्याज की ग्रेवी है, इसमें टमाटर की ग्रेवी है, ये पनीर है और मटर थोड़ी इसमें बनी रखी है मैंने। और इधर मैंने तड़का लगा लिया, इसमें मैंने प्याज लहसुन और एक लाल मिर्ची जीरा ये डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज, अब मैं इसमें डाल लेती हूँ प्याज, प्याज का पेस्ट मतलब, और चमचा। और बच्चे देखो क्या उधर मचा रखा है, ये देखिए इसे अच्छी तरह से भून लूँगी मैं। उसके बाद डालूँगी टमाटर की ग्रेवी और नानी और दीदी अंदर है बातें कर रही है और बच्चे इधर खेल रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं दोनों, इधर ये लोग चाय पी रहे हैं। ये हमारी नानी है देख लो, कितनी नई नानी, कितनी जवान है ना। अरे हम चाय पी रहे, चाय पार्टी हो रही सबकी है, और का नकली असली नानी है ना, कह रही है असली नानी है ना, नानी है मेरी असली नानी है, मेरी मम्मी की मम्मी। भाई देखो बुढ़िया होगी मैं, हमारी नानी जो हमारी नानी दवाई ऐसी खा जवानी की। देखिए बच्चों को क्या बना रखा है तुमने, देखो क्या हाल कर दिया, देखो ये जहाज बना खेल रहे हैं, ये कोई गाड़ी बना रखी है तुमने, देखो इन बच्चे ने। जय का लड्डू का तो फुल मन लग रहा। सही है। ये देखिए गाइस मेरी बन चुकी है मटर पनीर कढ़ाई भरकर सबके लिए, मैंने कढ़ाई भर के इसलिए बनाई है, बच्चे भी खा लेंगे और नानी मामा आए सब वो भी खा लेंगे। नानी मामा नानी तो यहीं है, दीदी के साथ बात कर रही है और मामा गए हैं ताऊ के इधर ऊपर बैठे हैं, सब लोग वहाँ पे गए हैं। तो गाइस मेरी मटर पनीर बन चुकी है और मैं अपनी ये किचन साफ़ कर दूँ, और मैंने सलाद भी काट के रख दी। किचन साफ़ करने के बाद आटा लगा के फिर आराम से मैं भी बैठूँगी, उसके बाद खाना बना लेंगे, जब खाएँगे तो मैं और दीदी साथ में रोटियाँ बना लेंगे। तो गाइस मेरा किचन का काम हो चुका है, ये देखिए सारी किचन साफ़ कर दी मैंने और पनीर वनीर बना कर रख दी, सारे बर्तन धो दिए और मंदिर की सफाई कर दी, पूजा भी मैंने कर दी है, अब मैं आराम से बैठने जा रही हूँ नानी के पास। तो गाइस मैं मिलाती हूँ आपको, ये मेरी मामा की छोटी बेटी है रूही, क्या नाम है आपका, रूही। ये मेरे छोटे मामा की बेटी है भूपेंद्र मामा की, और वो मेरे राहुल मामा की। इसने चप्पल उतार दी ना, तो कह रही है मैं नंगे पाँव हूँ, मैं नहीं बनाऊंगी, चल दिया आ रही है। आपका नाम क्या बताओ जल्दी, नायरा। ये है मेरे बड़े मामा की बेटी, पुलिस वाले मामा की। तेरे पापा पुलिस है, पकड़वा देगी तू तो मुझे। तेरे पापा का नाम क्या बताना, पकड़ते नहीं है। पापा क्यों नहीं आए कहीं से मिलने, ड्यूटी पे गए भाई, मामा की ड्यूटी चल रही है, तो वो क्या किसकी वजह से नानी, इलेक्शन की वजह से, इसलिए बड़े मामा ना आ पाए, छोटे मामा आए वो उधर बैठे हैं सबके पास, वहाँ ना जा सकती मैं। और ये मेरी नानी है, आप लोगों को तुम देखिए नानी, अरे देखे मैं आ गई, चलिए अपना नाम बता दो, मम्मा का नाम क्या बताना, मिया। है? मिया। पापा का
मेरे मामा का नाम ले रही है। तेरे पापा पुलिस है, पिटाई करते हैं वो चोरों की? चोरों की नहीं करते, मेरी करते हैं। ऐसे करते मेरी भी करेंगे पिटाई? नहीं करेंगे, मैं नहीं करेंगे। चोर को मार देंगे बंदूक, चल बंदूक मार देंगे चोर को, जाएंगे। ओ आने वाली है गाइस, मम्मी भी आने वाली है। नानी को मन ना लग रहा मम्मी के बिना, मम्मी बात करती रहती तो इसलिए मम्मी नानी हमसे ही बात कर रही जब तक दीदी थे और मेरे थे। अब आएंगे तो बता। बस जो ये कह रही कि आपकी सगी नानी है भाई, ये मेरी सगी नानी है। अब मैं क्या करूँ, मेरी नानी जवान है। जिसे भी जड़ी बूटी बनवानी है यंग रहने के लिए तो मेरी नानी से कॉन्टेक्ट करें। मेरी छोटी छोटी बहन है, क्योंकि मैं भी सास बन चुकी हूँ ना, अरे दादी बन चुकी हूँ, तो मैंने जड़ी बूटी इनसे ही ली है। चलो भाई खाना बना लेते हैं। तो गाइस हमारा सब कुछ हो गया है तैयार, और पूरी के लिए आटा भी लगा दिया है, सब्जी बन चुकी है, और वसु लहसुन छील दिया, इधर दीदी पीस लिया। क्यों पीस लिया आपने? दीदी रायता बनाएगी, बहुत टेस्टी क्या ही। देखिए मेरे हाथ को रायता आज पिया रही है, अपने हाथ को रायता है। दीदी रायता बना रही है, दीदी बना दो, मैं रख दूँ कढ़ाई। तो चलो भाई हम बना देते हैं, कढ़ाई रख दो। गाइस ये देखिए हमारी तैयारी हो चुकी है, पूरी में बना ली दीदी ने, रायता बनाया। और ये देखिए गरम गरम पूरी पनीर पूरी रायता हमारे तो हमारी रिश्तेदार के साथ, और दीदी ने टेस्टी रायता बनाया बहुत। ये तो बहुत टेस्ट रायता लग रहा है दीदी, हमको ना बनाती आप ऐसा रायता है। मेरे रायते की तारीफ में हफी करती, हमको क्यों ना बनाती, और मेरा जैसा रायता किसी भी पड़े दिन। मैं दिखाती हूँ, हम भी दिखाएंगे भाई। सब ने खाना वाना खा लिया, और मम्मी अब मिली है नानी तक। सुबह से बाहर थी मम्मी, अभी आई है, और अब मम्मी आकर नानी से मिली है। अस्पताल पे उतर रही। अच्छा फिर जब वो संदीप ने कही है ना, लोग डगर परसों आए हैं, बैठे हैं तेरी बाट में। अच्छा मैं उनमें हुई अस्पताल में उतर रही। अच्छा उन्हें सही नहीं है, और तो आपको ऑपरेशन है तुम्हें कह रही 9 बजे। तो मम्मी अभी आई है और नानी से बात कर रही, दोनों आपस में। चलो कर लो बात बात, आप खाना खाओगी? खाना वाना खाओगी? चाय तो बढ़िया सी, ठीक है। चलो तो इनके लिए चाय बना देते हैं। तो गाइस मैं मिलाती हूँ आपको अपने छोटे मामा से। देखो ये है मेरे छोटे मामा, छोटे ना बीच के है, पता वो क्या कह रही, वो क्या कह रही, बच्चे कह रही सगी नानी आपकी। ये मेरे सगे मामा, और मैं इन तक पड़ी हूँ भाई सगे मामा से, है ना मामा। ये हमारे भूपेंद्र मामा डगरपुरिया। क्या नानी ने कितने सारे नोट ले रहे, सब बांट रही है। दो एक ही नोट दियो, एक और दो भाई, घने सारे हो जा ना। नहीं ले ले, ले ले क्योंकि मम्मी नानी डेड है ना, तो नानी ना मम्मी को ना देगी भेंट। हाँ भाभी लगी ना, मम्मी मम्मी आप दोगे, खा लो आप, खा लो खाना। ओए लड्डू पैसे ना मुझे दो, चलो पैसे मुझे दो, नानी ने दिए जो मेरी नानी है वो दो। तो भाई मेरी नानी जा रही है, बाय नानी। अब हम जा रहे हैं भाई। चलो मैं नानी जा रही हूँ।
अरे ये बड़ी ज्ञान ज्ञान बताते कितना रह जावे ये जब तक घंटा गिन रहे हैं जाऊंगे ना कभी बता दूंगी बाय बाय मम्मा लिए चाहिए ठीक है आएंगे हम जब मैं कह रहा हूं फास्ट से थार मार रहे थे लाल बैठे डगर पर सो का उठा और इसकी दादी ने ली से आते कैसे रो कोई रो अपनी दादी को ऐसा दादी 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 बाकी दादी 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 चुप हो जा चुप हो जा मैं तो हैगी तेरी मम्मा मैं तेरी मम्मा तो हैगी दादी पास जाएगा दादी।